कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। देश के विभिन्न समाजों द्वारा अपनी आराध्य की जयंती के पूर्व भी शहीदों को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में आज संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर मालवा मिल चौराहे पर संत रविदास द्वार से निकली प्रभात फेरी के पूर्व अहिरवार समाजजनों ने आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजनों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का नारा लगाकर विरोध भी किया। अहिरवार समाज 11 पंच कमेटी की ओर से हमारे 45 जमियान जो शहीद हुए हैं उन्हें संत रविदास द्वार पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बात का सबक सिखा दे कि हिंदुस्तान के ऊपर आग उठाने वाले जो भी देश होगा। रविदास जयंती को बड़े ही धूमधाम से 3 दिवसीय प्रभात फेरी हमने निकाली और इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई हमारे देश के ऊपर जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हुए। हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि संत रविदास द्वार के नीचे दी। साथ ही 3 बजे एक विशाल चल समारोह हमारे समाज के द्वारा निकाला जा रहा है जो मालामील पाटनीपुरा और भमोरी विजयनगर होते मंगल सिटी विजयनगर धाम पर विस्तार करेंगे, क्योंकि एक ऐसा घात हुआ जिसमें कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस बीच में हमारे साथ ऐसा घात हो जाएगा। और हम सभी ने, मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने, सबने मिलजुल कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रविदास जयंती के इस अवसर पर हम सभी की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नारेबाजी के पश्चात संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की प्रभात फेरी प्रारंभ हुई। प्रभात फेरी में मुख्य रूप से हेमंत वर्मा, मुकेश जिरोने, लेखराज बीदोने, बबलू मंडलोई, दीपक यादव, विशाल बीसे, रामचंद्र मांडरे, कमल झकोरे सहित बड़ी संख्या में अहिरवार समाजजन उपस्थित थे।